जय हिंद बच्चों, आज मैं आ गया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेके का नाम है लेक्चर 5। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा रखा हुआ है, ये एक MCQ है, ठीक है, क्योंकि इस साल से बोर्ड के बटन में काफ़ी चेंज आ चुके हैं, ठीक है, ये तुम सभी लोगों को पता है, ठीक है। और भाई मैंने वो ग्रुप में कल बोला था कि भाई क्वेश्चन करो, वहीं मुझसे आता है मुझे, मैंने बोला भाई वीडियो सॉल्यूशन कर भेज दूंगा, ठीक है, तो उनके भी सोल्यूशन दूंगा जो मैंने क्वेश्चन उसमें दिए, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराऊंगा। सबसे पहले सबसे बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो अगर इस क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़ो, ठीक है, एक बार पहले पढ़ लो, देखो कैसे करना है क्वेश्चन, तो मैं अप्रोच समझाता हूँ। जैसे मान लो मैं बोर्ड में क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है, तो क्वेश्चन जो मैंने लिखा है इसको पॉज करो, पढ़ो, ऑप्शन देखो और खुद से सॉल्व करो, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है तो मैं डायरेक्टली करवा देता हूँ, ठीक है, देखो कैसे बनेगा क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, ठीक है, ये बोल क्या रहा है, ठीक है, अगली बार से इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, मैं समझा दूंगा क्वेश्चन खाली। टू पॉजिटिव आयन ईच कैरिंग अ चार्ज क्यू, टू पॉजिटिव आयन बना दो, टू पॉजिटिव आयन जैसा बोलता है वैसा करते रहो, टू पॉजिटिव आयन, एक ये रहा और एक ये रहा, ईच कैरिंग अ चार्ज क्यू, इसके पास भी चार्ज क्यू है और इसके पास भी चार्ज क्यू है। भाई ये बता जा रहा हूँ, ठीक है, एक दो बंदों का कमेंट आया भाई वीडियो छोटी बनाओ, भाई वीडियो छोटी कैसे बन सकती है भाई, छोटी भाई कंसेप्ट कवर करना है, छोटी क्या मतलब, बल्कि व्यूज़ नहीं आ रहे, मत आम तुम्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है, तुम कुछ काम करो अपना खाली, पागल कर रहे तुम्हारे, ठीक है। ईच कैरिंग अ चार्ज क्यू एंड सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी, इनके बीच में डिस्टेंस डी है, ठीक है। अब एक कूलम्स लॉ तुमको पढ़ाई थी, ठीक है, तीन चार दिन हो गए पढ़ाए हुए, ठीक है, उस कूलम्स लॉ के बेसिस में तुमको ये पता होना चाहिए था कि पता होना चाहिए कि दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, वही से तुमको दे रहा है कि फोर्स कैपिटल एफ इज द रिपल्शन बिटवीन दिस, ठीक है। यहाँ तक तो क्वेश्चन समझ आया है, इसके बाद क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग फ्रॉम द ईच आयन इज, भैया क्या पूछ दिया, ठीक है, चलो छोड़ो उसको, दो मिनट के लिए क्या पूछा, हमेशा इन तरह के क्वेश्चन में अपना आंसर देखना, तुम्हारा आंसर या तो कॉन्स्टेंट की टर्म में होगा या उन वेरिएबल्स की टर्म में होगा जो तुम्हें क्वेश्चन में मेंशन है, जैसे 4πε0 पूरा कॉन्स्टेंट है, एफ तुम्हें क्वेश्चन में मेंशन है, क्यू क्यों नहीं है इसमें, चलो ई तो एक कॉन्स्टेंट होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और डी तुम्हें क्वेश्चन में मेंशन है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन बोल क्या रहा है, देखो पहले तो सिंपल तरीके समझने की कोशिश करते हैं, इलेक्ट्रॉन मिस कैसे हुए, ये कौन से मिसिंग इलेक्ट्रॉन बोल रहा है, जरा उसको समझने की कोशिश करते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, ये एक एटम है, ठीक है, जब इस एटम से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, मान लो निकाला, तो इस पर कितना चार्ज आया, प्लस ई, मैंने इससे दो इलेक्ट्रॉन निकाले तो कितना चार्ज आया, प्लस टू ई, मैंने इससे थ्री इलेक्ट्रॉन निकाले तो कितने चार्ज आए, प्लस थ्री ई। जितना ज़्यादा आप इससे इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे, बोलो यार, जितना ज़्यादा आप इससे इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे उतना इससे पॉजिटिव चार्ज अलग हो जाएगा। इसका मतलब जब भी कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज गेन करती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, कन्फर्म बात है, तो वही तो यहाँ पर हो रहा है। वो आपसे पूछ रहा है कि बताओ कि एक ये मिस समझ लो चाहे लॉस समझ लो, इलेक्ट्रॉन मिसिंग और इलेक्ट्रॉन लॉस फ्रॉम ईच आयन, इस एक से कितने आयन निकले हमें कुछ नहीं पता, हमें इतना पता है कि इस पे क्यू पॉजिटिव चार्ज है, अगर इस बॉल पे प्लस क्यू पॉजिटिव चार्ज है तो जो निकला हुआ चार्ज होगा वो माइनस क्यू होगा, पक्की बात है। और क्यू को नापने के लिए आपको मैंने परसों एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, क्वांटाइजेशन, क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एन ई, यहाँ पर एन होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ई होते हैं चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको एन समझ आ गया होगा, और यही एन हमको निकालना है, यही तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यही तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तभी तो उस पर पॉजिटिव आया, तभी तो बॉल पॉजिटिव हुई, यही तो एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग, तो हमें एन ही निकालना है, समझने कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप सभी को पता है, ठीक है, पूरा प्रोसेस लगा सकते हैं, ठीक है, अप्लाइंग कूलम्स लॉ बला बला उसे लिख सकते हैं, ठीक है। जब मैं इन दोनों के बीच में कूलम्स लॉ लगाऊंगा, खुद देना अप्लाइंग कूलम्स लॉ, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, रिपल्शन जो मुझे दी हुई है उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/4π0 क्यू इंटू क्यू इज क्यू स्क्वायर, क्यू क्यू वन टू था ना, क्यू स्क्वायर बन गया, और नीचे क्या जाएगा डी का स्क्वायर, ठीक है, मुझे एन निकालना है, ठीक है, तो और इन सबको एक तरफ भेज दो तो क्या जाएगा, ये क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4π, बोलो यार 1/4π0 एफ स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। अब देखते हैं पता लग रहा है, देखो ठीक है, एफ स्क्वायर डी स्क्वायर ऊपर चले गया, इसका मतलब ये ऑप्शन सही हो ही नहीं सकता, ये तो पहले गलत हो गया, ठीक है, और ये सॉरी ये भी ऊपर चलेगा, गलती हो गई रे, गलती हो गई, ये होगा 4π
एप्साइलन ठीक है, ये ऊपर जाएगा, ठीक है ये ऊपर चलेगा, तो उसका मतलब 4 पाई एप्सिलॉन ऊपर है एफ स्क्वायर पर, ठीक है। अब आप मुझे बताओ क्यू स्क्वायर, क्यू की जगह वैल्यू रख दो, ये लिख देना लेट एन इज इक्वल टू नंबर लिख रहा, ठीक है, क्यू की जगह वैल्यू रख दो, एन स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी का स्क्वायर। बोलो यार यहाँ तक समझ आ रहा है, ठीक है। अब अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया तो भैया उसका तो कुछ भी कर सकते हो, यहाँ से क्या करो ई को नीचे भेज दो, ठीक है। कैसे भेजोगे देखो, यहाँ तो देखना मैं अगर दिखाता हूँ, ठीक है, एन स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर। भाई क्वेश्चनों के सॉल्यूशन आ नहीं रहे हैं, बहुत कम बच्चों के आ रहे हैं, ऐसा काम नहीं चलेगा। तुम लोग सोच रहे हो कि लॉकडाउन हो रहा है, भाई एग्जाम में तो अपने टाइम पे होना है बाद में, ठीक है, फिर बाद में बोलोगे, फिर बाद में इतना प्रेशर पड़ेगा ना क्लास रोगी, तब मेरी लगा हालत खराब होगी, तुम्हारी लगा हालत खराब होगी, ठीक है। ये ई स्क्वायर नीचे जाएगा, एन को यहाँ भेज दो, इसलिए पढ़ते रहो, दोबारा पढ़ेंगे बाद में, मैं कौन सा मना करना, उससे ये होगी भाई बाद में इन चीज़ों को कवर करने में टाइम बहुत कम लगेगा, क्योंकि आप पहले समझ चुके हो उन चीज़ों को, तो बाद में कवर करने में टाइम बहुत कम लग रहा है। कौन सा ऑप्शन चाहिए बोलो भाई, ऑप्शन सी, समझ आ गया। तो ये मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया, ठीक है, सबसे पहले, और इस ऐसे में सोच रहा हूँ कि ये क्वेश्चन ये मेडिकल में आया हुआ है 2010 में ऑलरेडी, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मेडिकल में आया तो बोर्ड में आता, पैटर्न काफ़ी चेंज हो गया है, ठीक है, इस बार पेपर नहीं लगा रखे थे बच्चों, ठीक है। तेरे 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 आराम से समझना, समझ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन मैंने जो कल ग्रुप एंड वायरिकल देते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था, एक तो बिल्कुल एकदम बिल्कुल रद्दी क्वेश्चन था, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये दिया था मैंने तुमको कि एक 8 माइक्रोकुलम की बॉल है, ठीक है, और बॉल है मतलब पॉइंट साइज है, हमें जो बड़ा बनाना पड़ रहा है दिखाने के लिए, पर ये पॉइंट साइज है, इमेजिन करो ये -5 माइक्रोकुलम है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने, कुछ लोगों का आंसर गलत आया, ठीक है, बहुत कम लोगों का गलत आया, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही किया है, ठीक है। अब बात करते हैं, मैंने आपसे इसमें से फोर्स की वैल्यू पूछी थी, आप सीधा बोल दोगे भाई इसमें डिस्कस कर दिया था आपको 10 सेंटीमीटर दिया था, ठीक है। तो पहले लिखना है Q1 कितना है 8 माइक्रोकूलम, इजी क्वेश्चन है, बट तरीके से करो, 8 × 10⁻⁶। Q2 कितना है -5 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू -5 × 10⁻⁶ कूलम, ठीक है। उसके बाद आर कितना है 10 सेंटीमीटर बोले तो 0.1 मीटर, अप्लाइंग कूलम से आप लिख दोगे एफ इज इक्वल टू 1/4π ठीक है। अगर आप ये खुद से एक लाइन में मेंशन कर देना द फोर्स इज अट्रैक्टिव, ठीक है, या फिर आप यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करो और बाद में बोल देना खुद ही, ये तो आपको दिख ही रहा है पॉजिटिव नेगेटिव है, आप खुद ही बोल दोगे द फोर्स इज अट्रैक्टिव, ठीक है। चल एफ इज इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी 9 × 10⁻⁹ −12, नीचे क्या है आर का स्क्वायर यानी कि 0.01। इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा मेरे ख्याल से वो ये आना चाहिए, मैक्सिमम लोगों का तो यही आया था 36, मेरे ख्याल -36 न्यूटन आ रहा था, ठीक है, तो उसको माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, आपसे 36 न्यूटन नीचे लाइन लिख देना द फोर्स इज अट्रैक्टिव, ठीक है चलेगा, ठीक है। रद्दी क्वेश्चन था बिल्कुल, बेटा देता हूँ अब आता अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगर आपको याद होगा एक मिनट रुकना भाई, टाइम बड़ा खराब चल रहा है भाई। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, ये एक पॉइंट चार्ज है, ये भी भाई बनाने सारी है, पॉइंट थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ, ठीक है, इसलिए ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, ठीक है, इसके बीच की कोई डिस्टेंस है, इसके बीच की कोई डिस्टेंस है, ठीक है। ये है -5 माइक्रोकूलम, ये है 10 माइक्रोकूलम, और ये है -12 माइक्रोकूलम, ये प्लस है, ठीक है। अब हुआ क्या, इसको किया है काफ़ी सारे लोगों ने, सही किया है, ठीक है, एक सपने ने काफ़ी सही किया हुआ है इसको, ठीक है, उसने एक्सपेरिमेंट काफ़ी सही किया हुआ है। देखो ध्यान से, सबसे पहली बात इसमें दो अलग अलग केस बन रहे हैं, ठीक है, एक प्रिंसिपल होगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, वो हम बिल्कुल अलग अलग वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इस वीडियो के एंड में आपको एक कंसेप्ट सिखाऊंगा, ठीक है, न्यूमेरिकल के बाद एक मतलब एक छोटी थ्योरी क्लास भी होगी 5 मिनट की, मैं कंसेप्ट सिखाऊंगा, उसको भी पढ़ना उस कंसेप्ट को भी, ठीक है। देखो अभी ये के छोड़ दो, ठीक है, हमें क्या बोला हुआ था इस क्वेश्चन में कि इस पे फोर्स निकालो, ठीक है, बोल रहा है, ठीक है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, से क्या करेगा अट्रैक्ट, इसने भी से क्या किया अट्रैक्ट, ठीक है।
अब क्या हुआ, इसका डिस्टेंस था 6, ठीक है, और इसका डिस्टेंस था 4 सेंटीमीटर में हमें निकलता है, ठीक है। तो जब इनके ये डिस्टेंस थे, ठीक है, आपको ये खुद से सोचना है कि भाई साहब यहाँ पर कौन सी फोर्स डोमिनेट करने वाली है, ठीक है। इन दोनों में से जो फोर्स डोमिनेट करेगी एट द एंड ऑफ द डे चार्ज उसी की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर दो फोर्स बन गई, पहली बन गई फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, यानी बी पे लगाई किसने, ए ने, ठीक है। क्या वैल्यू होने वाली है इसकी, 1/4 πε₀ q1 q2 qa qb अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस आर ए बी का स्क्वायर, ये पढ़ो, ठीक है। सीधा सीधा यहाँ डायरेक्ट आपको वैल्यू दिख रही है, 9 × 10⁻¹, क्यू ए की वैल्यू कितनी है, 5। साइन के चक्कर मत पड़ो, अभी पहले बोल रहा हूँ, कोई फायदा नहीं। 10 × 10⁻¹⁶, डिस्टेंस कितना है, 6 सेंटीमीटर, 0.06 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये मैक्सिमम लोगों ने सॉल्व किया था, इसकी मैं सॉल्व करने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। इसकी जो वैल्यू आई थी, ठीक है, वो मुझे काफ़ी लोग इसकी वैल्यू देखने मिली, मिली 125 न्यूटन। ये आ रही है क्या, यही आ रही होगी, ठीक है। काफ़ी लोगों ने बताया था मेरे को यही आ रही वैल्यू, ठीक है, मैंने सॉल्व कर रखा था इसको, तो ये वैल्यू आ गई इसकी, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन किधर है, इसकी डायरेक्शन आप एरो मान लो, एक छोटा सा एक, इसकी डायरेक्शन किधर है, इस तरफ है, ठीक है। लास्ट में बताऊँ कैसे करना है नेट फोर्स को, ठीक है। अब सेम तरीके से अब आप निकालेंगे किसकी, एफ बी सी की। जब मैं यहाँ पर एफ बी सी की निकालूंगा, बी सी जो है बड़ा था 1/4 πε₀ qb qc / rbc का स्क्वायर, वो खुद से निकल लाइन, आप लाइन को लम्प डाल दीजिए जी, बस साइंटिस्ट डिस्कवरी कर रहे थे, हमारा काम बड़ा है। एफ बी सी 9 × 10⁻¹ qb qc रख दो वैल्यू, 10 × 10⁻¹⁶ जैसे कितना है, 12 × 10⁻¹⁶ डिस्टेंस कितना है, 0.04 का स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करोगे 675 न्यूटन आया था, वैल्यू वैल्यू लिखी मेरे पास खाली, ठीक है। अब देखो ये किस तरफ है, इस तरफ। सोचने वाली बात है, ये आपका पार्टिकल है, इससे इधर को फोर्स लगी कितनी, 125, और इधर को फोर्स लगी कितनी, 675। तो जो नेट फोर्स निकलेगी वो क्या होगी, एफ बी सी माइनस एफ बी ए, इधर मैंने दस, तो एफ नेट कितनी आ गई, माइनस कर दोगे 675 − 125, तो एफ नेट जो आपका निकल के आएगा ये आएगा 550 न्यूटन टूवर्ड्स, ये बहुत बोलना जरूरी है, टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड में बोलना, अब टूवर्ड्स सी, सी की तरफ, बोलो सही है ना, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो बहुत सारे नोट कर लो, अगला मैक्सिमम लोगों ने बनाया रहे सही। बहुत बड़े क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो ये कह रहा है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1.2, ठीक है, सामने बुक खोल के बैठो। ये कह रहा है कि इफ 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन मूव आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम। बिल्कुल सिंपल बात है, समझाता हूँ क्वेश्चन, छोड़ो उस लाइन, पढ़ लिया तो सही, अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं। ये एक बॉडी थी, इस बॉडी से 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड निकल रही हैं, पर सेकेंड निकल रहे हैं। तो ये बताओ जिस दूसरी बॉडी पे ये जा रहे हैं उस पे चार्ज चाहिए 1 कूलम, तो बताओ कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, समझ आया। इस बॉडी से 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन निकले हर सेकेंड, जैसे 10 की पावर 9, फिर अगला सेकेंड 10 की पावर 9, अगले सेकेंड 10 की पावर 9, इस पर एक्यूमुलेट हो रही, इस पर चार्ज कितना करना है, 1 कूलम। आपको उसके लिए टाइम चाहिए, हर सेकेंड इतना निकल रहा है। देखो मैंने आपको पहले बताया था कि जो कूलम यूनिट होती है ये बहुत बड़ी यूनिट होती है और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपने मेरे जो क्वेश्चन देखे उसमें आपको माइक्रो कूलम ही देखने को मिला, मिली कूलम भी कहीं नहीं मिला, माइक्रो कूलम देखने को मिला, इतनी छोटी यूनिट में आप डील कर रहे हो, प्रैक्टिकल वही है। आपको पता लग जाएगा कि जो सिर्फ वन कूलम की बात कर रहा हूँ मैं, ये इम्प्रैक्टिकल यूनिट क्यों है, आपको इसी क्वेश्चन से पता लगेगा, इसीलिए क्वेश्चन दिया गया है, समझने की कोशिश करो। देखो आप मुझे बात बताओ, ठीक है, इसको हटा देते हैं,
एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन कितने गए? 10 की पावर 9, यानी कि एन की वैल्यू कितनी है? 10 की पावर 9 फॉर कितने सेकंड? 1 सेकंड। तो ये बताओ कि एक सेकंड में कितना चार्ज गया, ठीक है? तो चार्ज इन 1 सेकंड, एक सेकंड में चार्ज निकालो, कैसे निकालोगे? क्यू इज इक्व टू एन कर दोगे, ठीक है? क्यू निकालना है, क्यू इज इक्व टू एन कितना है? 10 की पावर 9, बोलो यार, 10 की पावर 9, सॉरी, हाँ, एक सेकंड में चार्ज निकल रहा है इन वन सेकेंड। क्यू से कुछ कितना होगा? 10 की पावर 9, और ई की वैल्यू कितनी थी? 1.6 × 10 की पावर −19। ये ई की वैल्यू थी, ये किस में आ जाएगा? कूलम में आ जाएगा, ठीक है? अब एक बार बताओ, ये 1 सेकेंड में टोटल चार्ज है, ठीक है? इधर क्या है? इधर 1 सेकेंड है, ये 1 सेकेंड में टोटल चार्ज है, ठीक है? मुझे बताना है कि ये 1 कूलम कब होगा। तो आपने यूनिट में मेथड पढ़ा हुआ है, ये सारा पैरामीटर नीचे चले जाएगा और सिर्फ कूलम इस साइड रह जाएगा, तो आ जाएगा 1 कूलम। और हमें सेकंड निकालना है, वैसे भी ये पूरा पता चल जाएगा, 1/10 की पावर 9 × 1.6 × 10 की पावर −19। तो 1 कूलम चार्ज एक्यूमुलेट होने में जो टाइम निकलेगा वो सेकंड ही तो आएगा, अपना टाइम निकल जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये जो वैल्यू आ रही है, बताया तो आपको पहले ही, ये वैल्यू कितनी आ रही है? ये वैल्यू आ रही है 1.6। सब लेके बैठे दो ना, ठीक है? ये वैल्यू आपकी आएगी 6.25 × 10 की पावर 9, ठीक है, सेकंड, ठीक है? समझ नहीं आ रहा है इतने सेकंड कैसे काउंट करें, इसको ईयर में कन्वर्ट किया, जब इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो 6.25 × 10 की पावर 9 पहले तो डिवाइड करेंगे 365 से, फिर करेंगे किससे, फिर करेंगे 24 से, और फिर करेंगे इसको, तो ये जो भी है अपने इसको सॉल्व करोगे ईयर में आएगा आपका 198 ईयर, विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आपके बुक अकॉर्डिंग 200 ईयर्स, ठीक है? अब सोच लो कि अगर किसी बॉडी पे इतनी स्पीड से 10 की पावर 9 जा रहा है एक सेकंड में, क्रीमिन इसके 10 की पावर 9 कितने होते हैं, इतनी स्पीड से भी अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन जाने लगे हर सेकंड, उसके बाद भी सिर्फ वन कुलम चार्ज होने के लिए भी जो टाइम लग रहा है 200 साल, ठीक है? इसीलिए किसी भी बॉडी में जो प्रैक्टिकल चार्ज कंसिडर किया जाता है वो कूलम के टर्म में नहीं कंसिडर करते, माइक्रो कूलम या उनके टर्म में कंसिडर करते हैं। समझ आ गया? बोलो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है? धीरे धीरे क्वेश्चन का हल पड़ता जाएगा, जब अगली बार मैं न्यूमेरिकल्स लेके आऊँगा, ठीक है, वो लॉकडाउन खुल जाता है, अगर लॉकडाउन नहीं खुलता है तो जो अगली बार जो मैं न्यूमेरिकल्स लेके आऊँगा उसमें बहुत तरह के न्यूमेरिकल होंगे, 3 बॉल डायग्राम वाले, ट्रायंगल के ऊपर 3 बॉल रखी हुई है, स्क्वायर बॉल रखी हुई है, एक सिस्टम से बॉल, 2 बॉल ऐसे हैंग कर दी, तो मेरे क्वेश्चन अटैकिंग हो रही है, टेंशन लग रही है, सब कुछ लग रही है, उस तरह क्वेश्चन हम करेंगे, थोड़े बढ़िया क्वेश्चन है वो, ठीक है? चलिए ठीक है, अब इसी के नीचे एक और क्वेश्चन मिलेगा आपको एनजीटी में, वो आपसे कह रहा है कि हाउ मच पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, हाउ मच पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट इन अ कप ऑफ वाटर, ठीक है? एनसीईआरटी में जो किया हुआ है वो कप को लिया हुआ है 250 ग्राम का, ठीक है? फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, हाउ मच पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन कप ऑफ वाटर, टी कुछ पर नहीं है तो वाटर रहना पड़ेगा ना, कप ऑफ वाटर, ठीक है? ये आपको निकालना है यार, उन्होंने 250 ग्राम लिया हुआ कप, ठीक है? अब भी 250 ग्राम ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैलकुलेशन मैच कर जाएगी ना इसलिए, ठीक है? आपने 250 ग्राम कप ले लिया, अब देखो मैं इसकी पूरी कैलकुलेशन सॉल्व नहीं करूँगा, तुम खुद कर दिया, मैं तुम्हें कंसेप्ट दिखाता हूँ। देखो मैंने आपको पहले दिया था, उसने स्पेसिफिकली जान के बोला है पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर वो बोल देगा हाउ मच चार्ज इज प्रेजेंट इन कप ऑफ वाटर, आपसे बोल देगा 0, क्योंकि जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा, ये मैं एक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है? चलिए अब बात करते हैं सिर्फ पॉजिटिव और सिर्फ नेगेटिव निकालने के लिए। एक बात बताइए, H2O, इसका मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 18 ग्राम। इसका मतलब इसके 18 ग्राम में 1 मोल होंगे, इसका मतलब 6.02 × 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे, क्यों निकालने मॉलिक्यूल्स पता लग जाएगा, तो इसके 250 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, पहले 1 ग्राम का निकालोगे तो वो कितना आएगा, 6.02 × 10 की पावर 23 / 18, ये 1 ग्राम का आ गया, नीचे जाएगा ना 1 ग्राम का आ गया, 250 कितना आएगा, 250 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ गया टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स,
सारे मॉलिक्यूल्स हैं ये एन, कैपिटल मान लो इसको, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, ठीक है। अब एक बात बताओ, वाटर के मॉलिक्यूल स्टडी करते हैं, इसमें के पास दो तो होते हैं एच और एक होता है ओ, क्योंकि ओ है ये कितने इलेक्ट्रॉन लेके आता है, एट, ये कितने लेके आता है, टू, तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, दस इलेक्ट्रॉन, तो दस ही क्या हो गए, प्रोटॉन, इसलिए तो बोलते हैं नेट न्यूट्रल टोटल चार्ज जीरो हो जाएगा, लेकिन टोटल नहीं निकालना, हमें से या तो पॉजिटिव निकालना या नेगेटिव निकालना, तो दोनों का आंसर सेम ही है, या तो पॉजिटिव निकालो या नेगेटिव निकालो। इसका मतलब एक मॉलिक्यूल के पास दस इलेक्ट्रॉन है, समझ लो एक मॉलिक्यूल के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, दस इलेक्ट्रॉन है। अब क्योंकि एक मॉलिक्यूल के पास दस इलेक्ट्रॉन है, दस का हो रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन के पास दस इलेक्ट्रॉन है तो टोटल चार्ज निकाल दोगे, ठीक है, टोटल चार्ज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू चार्ज ऑन वन मॉलिक्यूल, सिंपल सा फंडा, ठीक है। जैसे ही इस फंडे को आप लगाओगे, ठीक है, तो टोटल चार्ज निकाल लोगे, क्यू इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने, मैंने आपको अभी बताया 6.02 10 की पावर 23 अपॉन 18 इंटू 250, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल गए, चार्ज कितना आ रहा है एक पे 10 ई, फिर ई की वैल्यू कितनी होती है, ई की वैल्यू होगी लास्ट में, आंसर तो कूलम्ब है ना, 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम्ब, इस पूरे को सॉल्व कर दोगे आपका आंसर, ठीक है। अब बताओ कोई दिक्कत है, सर सॉल्व करना मैं कूलम्ब लगा दिया, ठीक है। अब वो ऐसी कुछ अगर टोटल चार्ज पूछता तो आपका आंसर जीरो होता, बट उसने आपसे पूछा सिर्फ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसने आपसे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज पूछा हुआ है, इसलिए आपने सिंपल ऐसा कर दिया, ठीक है। चलो बाय, इस लम्हे यार कपड़ा मार ले रहा है, और क्या ना बोला, इस लम्हे ओ भैया ऐसे मैंने ग्रुप पर तो मैसेज भेज दिया है, ठीक है, 8439660757, ठीक है। जब तक लॉकडाउन है तब तक मैंने एक एक्टिव ग्रुप बनाया है, उसमें आपको जितनी मैंने वीडियो बनाई है उसके बारे में कोई भी डाउट होगा ना, तो ये इस ग्रुप में पहले मेरे को इसमें मैसेज लिख के भेज देना, मैं तो ग्रुप में ऐड कर दूँगा, ठीक है। बस मैंने काफ़ी सारे बंदों को उसमें ऐड कर दिया, ठीक है, बट फिर भी जिन लोगों का व्हाट्सअप एक्टिव नहीं और उनको मैसेज नहीं मिला है वो वीडियो देख सुन लेना, 8439660757, ठीक है। इसको भी ग्रुप में आना है, वो आ सकता है, लॉकडाउन की वजह से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, क्लास स्टार्ट होगी, तब इस ग्रुप को मैं हटा दूंगा, ठीक है, तब तक के लिए खाली। अगला क्वेश्चन है, और भी सही है, ढूंढता हूँ ये रहा, ठीक है। एग्जाम्पल 1.5 है, ठीक है। देखो यार एनसीईआरटी करने में पहले जाता हूँ, एनसीईआरटी करनी सबसे जरूरी है, उसके बाद क्वेश्चन बहुत सारे होंगे, हर क्वेश्चन अलग अलग कंसेप्ट डील करता है, लेकिन सबसे पहले एनसीईआरटी होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको एनसीईआरटी नहीं आती तो बहुत मुश्किल है, ठीक है, एनसीईआरटी पक्का करो, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ आपको, बहुत लेंदी क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत बड़ी है, उस पर नहीं जाऊँगा, सीधा मैं फिगर में आता हूँ, आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। होकर एक हादसा बाजार में आ जाएगा, होकर एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं हुआ वो कल अखबार में आ जाएगा, जो नहीं हुआ वो कल अखबार में आ जाएगा।
ठीक है, छोड़ दो इसकी लैंग्वेज वगैरह छोड़ दो। पिछली वीडियो में चार्ज सेलिंग का सब सिखाया था, अगर कभी भी दो आइडेंटिकल बॉल्स आती हैं तो दोनों पे चार्ज बराबर हाफ हाफ हो जाता है, बताया था ठीक है। अब देखो अगली चीज, ये क्वेश्चन इतना बढ़िया समझिए क्वेश्चन। दो बॉल थी मेरे पास, एक थी ए और एक थी बी, दोनों का शेप साइज अलग अलग हो सकता है, इनके बारे में आइडेंटिकल की कोई बात नहीं की गई है, ठीक है। इन दोनों में चार्ज मैंने अलग मार्क किया, मतलब इन दोनों में चार्ज भी अलग अलग है, ठीक है पहली चीज। दूसरी चीज, इनको 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया, ठीक है, इनके बीच में कोई फोर्स लगी, अट्रैक्टिव होगी रिपल्सिव होगी, बोलो यार रिपल्सिव होगी क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। तो जब इनके बीच में फोर्स रिपल्सिव होगी तो रिपल्सिव फोर्स को तो ये सिंपल कूलम लगाओगे, अप्लाइंग कूलम्स लगाओ बला बला बला, तो ये फर्स्ट केस मान लेते हैं इसको, और ये है सेकेंड केस। कैसे आया ये भी समझाता हूँ। फिर इसने क्या किया, इसने बोला कि ए के सामने एक और बॉल आई बिल्कुल ए के जैसी, ठीक है, उसका नाम था सी और वो न्यूट्रल थी। तो आपको तो पता ही है जितना भी चार्ज ए का था उसमें से आधा सी पे चले जाएगा, जितना भी चार्ज ए का था उसमें से आधा सी पे चले जाएगा, तो ए का आधा चार्ज सी पे चले गया, ठीक है। उसके बाद सेम कार्रवाई हमने बी के साथ करी, हमने बी को उठाया और हम बी को एक और बॉल के बगल में लेके आए जो कि डी थी, और ये इसकी जैसे आइडेंटिकल थी, बी और डी आइडेंटिकल है और ए और सी आइडेंटिकल है, तो बी का आधा चार्ज डी पे चले जाएगा, ठीक है। चार्ज थ्योरी मैंने आपको परसों बताया था, ठीक है। इसका मतलब अब अगर इफ इनिशियली मैं मान लेता हूँ कि ए के पास चार्ज क्यू है, ठीक है, और क्यू वन है, और बी के पास चार्ज छोटे देते हैं ना, मतलब फॉलो छोटे लगा रहे हैं, ए के पास चार्ज क्यू वन है और बी के पास चार्ज क्यू टू है, तो ये कार्रवाई करने के बाद चार्ज आधा आधा कम हो गया। उसको इन्होंने क्या किया, जो ये नई ए और बी निकली इन दोनों की दूरी पहले 10 थी अब 5 कर दी, मतलब पुरानी बॉल की दूरी 10 थी जब चार्ज आ रहा था, जब चार्ज कम हो गया इन्होंने दूरी भी कम कर दी, तो अब जो चार्ज हो गया नए केस में ये क्यों इसके पे इसका हाफ हो गया और इस पे इसका हाफ हो गया, इन्होंने डिस्टेंस भी हाफ कर दिया। तो ये पूछ रहा है बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन जो भी है उस पर क्या फ़र्क पड़ा, कोई फ़र्क पड़ा भी या नहीं चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो केस वन के लिए निकालते हैं, वन फोर्स निकालते हैं, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, टेन का स्क्वायर, ठीक है, टेन का स्क्वायर करेंगे इसका मतलब पॉइंट वन का स्क्वायर, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो बन जाएगा वन अपॉन फोर पाई। देखो हमें सिर्फ कंपेयर करना है, हमें कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं निकालनी, इसलिए इसको यहाँ पर सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो क्यू वन क्यू टू पॉइंट वन का स्क्वायर करोगे तो ऊपर कितना जाएगा, कितना जाएगा, हंड्रेड जाएगा ना ऊपर, 0.01 ऐसे रहेंगे उसको भी थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी सेकेंड केस की, एफ इज इक्वल्स टू वन अपॉन फोर पाई क्यू वन क्यू टू, और क्यू वन की वैल्यू कितनी हो गई है, क्यू वन बाई टू, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई है, क्यू टू बाई टू, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पाँच का स्क्वायर, बोलो यार 25, बोलो यार 25, ठीक है। जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो कितना बन जाएगा, क्यू वन क्यू टू फोर, 25 और 4 से मल्टीप्लाई करो, नीचे सौ नीचे क्या बन जाएगा, ठीक है, ये कितना, ये कितने हैं सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर में है ना, ये तो ये होगा 0.05 का होल स्क्वायर, ठीक है, 0.05 का होल स्क्वायर, मैंने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी सेकंड केस की, जो फोर्स निकल के आएगी वो निकल के आएगी 1 अपॉन 4 पाई Q1 Q2, 2 2 4.5, सॉल्व करके मल्टीप्लाई करोगे वो सेम वही बन जाएगा 0.01, ये भी न्यूटन, ये भी न्यूटन। तो इसका मतलब समझने की कोशिश करो, याद आ रहा हो तुमको कुलम का एक्सपेरिमेंट, चार्जेस की कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है बट फिर भी कुलम्स लॉ का एक तरह से वेरिफिकेशन हो गया, ठीक है, एक्सपेरिमेंट ऐसे ही हुआ था पहले। तो कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में हमको पता लगा कि ये सब कर्मकांड कार्रवाई करने के बाद भी जो दोनों केसेस में जो फोर्स रही वो क्या रही, अनऑल्टर्ड रही, सेम रही। सही बात है कि नहीं बात है, समझ आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं एक छोटे से नन्हे से मुन्ने से कंसेप्ट के बारे में, बेटा दोस्तों कुछ आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, और भी करीब कुछ नहीं सकते तुम, खाली वैल्यू रख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई क्यू वन क्यू, तुमको पता ही है, चलो बेटा दो पढ़ लो यार पढ़ लो, कुछ थोड़ा बहुत तो पढ़ लो, ठीक है। देखो आपको मैंने बात बताई थी
यहाँ पर हम किसी भी डाइलेक्ट्रिक को, तो भी समझना खैर सही नहीं है, तो आप आगे पढ़ोगे, किसी भी मीडियम के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे क्या इफेक्ट हो रहा है वो देखने वाले हैं। ठीक है, आपको पता होगा जब हमने पिछली वीडियो में मैंने आपको ये समझाया था कि Q1 Q2 इनके बीच का डिस्टेंस r है, ये मीटर में है सर, ये तो आपने आपको कूलम लगा के अपना फोन लगाया, मैंने बताया वैक्यूम में है, किसमें है, वैक्यूम में, आपने सिंपल फोन लगाया था 1/4π ε0 Q1 Q2/r2। ठीक है, ये वैक्यूम की फोर्स आ गई थी। ठीक है, फिर मैंने आपसे इसको मैंने बताया मीडियम में डालो, जैसे आपने इसको मीडियम में डाला था, इन एनी मीडियम, और उस मीडियम की परमिटिविटी कितनी थी, एप्साइलन, क्योंकि वैक्यूम की क्या होती है, एप्साइलन नॉट होती है, उस मीडियम की कितनी थी, एप्साइलन। तो आपने बोला भाई फोर्स ना भैया बस ये हो गई 1/4π ε0 Q1 Q2/r2। लेकिन जब भी तुम न्यूमेरिकल करोगे, तुम्हें न्यूमेरिकल में बहुत ही रेयर ऐसा होगा कि तुम्हें एप्साइलन देगा, वो तुम्हें डायरेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट देगा के, या फिर रिलेटिव परमिटिविटी देगा एप्साइलन आर, तो वो तुम्हें ये देगा, या तो वो तुम्हें एप्साइलन आर देगा, बोलेगा बच्चों इसकी वैल्यू 6 है, या तुम्हें के दे देगा, एक ही दो होते हैं। तो आप एक बार बताओ, क्या मैंने एप्सिलॉन नॉट के आपको ये नहीं दिया था, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो जब आपको के दिया हुआ है तो क्या आप यहाँ से छोटे के को रन दो खाली, इसको यहाँ भेजो, तो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या आ गई, के इंटू एप्सिलॉन नॉट, बोल रहा है आ गई ना, तो क्या आप इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, कर सकते हो, इसको एफएम ले लो मीडियम की फोर्स, तो जो मीडियम की फोर्स हो गई वो क्या हो जाएगी, 1/4π k ε0, इसलिए और के को बाहर ले लो, एप्सिलॉन नॉट को ऐसे ले लो, Q1 Q2/r2। अब ध्यान से देखो, ये आपके इक्वेशन नंबर 1 से मान लो, इक्वेशन 1 और 2 को जरा कंपेयर करो, इसमें जो वाली चीज़ है पूरी की पूरी, ये वैक्यूम की फोर्स है, देखो पूरी की पूरी वैक्यूम की फोर्स है, बोलो यार, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो मीडियम की फोर्स है वो वैक्यूम की फोर्स के 1/k टाइम्स हो गई, हमेशा डिक्रीज होगी, कभी इंक्रीज नहीं हो सकती, क्योंकि के की वैल्यू कभी 1 से कम होती ही नहीं, सबसे कम 1 होती है वैक्यूम में। ठीक है, 1 होगे तो मैक्सिमम वैल्यू आपको वैक्यूम की मिल जाएगी, 1 से बड़ी 2 करोगे तो हाफ हो गई, 3 करोगे कितनी हो गई। तो बिल्कुल सिंपल सिंपल, अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, इधर नॉर्मल इसमें रख दिया, आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है, हमेशा रखना कि मीडियम में जो वैक्यूम की फोर्स होती है 1/k टाइम्स होती है। एक सिंपल सा क्वेश्चन होगा, देखो बिल्कुल रख दिया, आपको सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बोलूँगा बच्चे 2 चार्जर 1 और 2, ये वैक्यूम में थे, कोई डिस्टेंस था, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इनके बीच में फोर्स 36 न्यूटन, 2 चार्ज थे वैक्यूम में, इनके बीच में फोर्स थी 36 न्यूटन। इस पूरे सिस्टम को उठाया सेम एज इट इज और एक ऐसे मीडियम में डाल दिया जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 6, जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 6, तो बताओ अब फोर्स कितनी हो जाएगी। आप डायरेक्ट पढ़ लगाओगे, भैया ने सिखाया था वैक्यूम की फोर्स है 36, तो मीडियम की फोर्स क्या होगी, वैक्यूम अपॉन डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो मीडियम की फोर्स कितनी आ गई, वैक्यूम कितना बोलो यार 36, के कितना है 6, तो फोर्स कितनी आ गई 6 न्यूटन। इसका मतलब भाई साहब, हमेशा किसी भी मीडियम में जाने के बाद वैक्यूम के कंपैरिजन में फोर्स 1/k टाइम डिक्रीज हो जाती है। सही बात है कि नहीं बात है, ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको न्यूमेरिकल समझ आए होंगे। ठीक है, जो व्हाट्सएप ग्रुप है मैं उसमें और क्वेश्चन भेजूंगा, एक डायरेक्ट्रिक वाले, कुछ कुलम्स वाले, अगला जो वीडियो होगा उसमें आपको पढ़ाऊंगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है, फोर्स पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, उसके बाद सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के साथ साथ आप लोगों को न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, वो ट्राइंगल के कोने पे 3 चार्ज रखे हुए हैं, स्क्वायर पे 3 चार्ज रखे हुए हैं, फ्री बॉडी डायग्राम वहाँ पे आपको थोड़ी जरूरत पड़ेगी, एक सिस्टम है उस पर बॉल लटक रहे हैं, ये सब कार्रवाई हो रही है। ठीक है, इसके अलावा ठीक है, हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड भी नेक्स्ट वीडियो में ही स्टार्ट हो जाए, तो मैं कोशिश करूँगा उसके लिए नई वीडियो बने, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, तो पढ़ते रहो, ठीक है, और क्वेश्चन करते रहो, रीडिंग करते रहो, तब तक के लिए यही।